सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर चार बड़े बांध बनाएगा भारत, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को मनमाने तरीके से चीन मोड़ रहा है। इस बार तो अरुणाचल में एलएसी से मात्र 30 किलोमीटर दूर बांध बन रहा है। चीन के सबसे बड़े थ्री जॉर्ज डैम से भी बड़ा बांध होगा। 181 मीटर ऊंचा होगा, 2.5 किलोमीटर चौड़ा होगा ये डैम। और ऐसे में केंद्र ने अब ब्रह्मपुत्र पर 3 परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। ये 3 परियोजना रहेगी जो केंद्र की ओर से शुरू की गई है। ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 परियोजनाओं पर विस्तृत तरह से काम किया जाएगा और फिर इसे सबसे उच्चतम श्रेणी में पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए 3 साल में ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 बड़े बांध बनाए जाएंगे। ये भी ख्याति क्योंकि भारत की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी पर ये 4 बड़े बांध बनाए जाएंगे और कवायद इन बांधों को बनाने की शुरू भी हो गई है। आगे बढ़ते हैं नाथद्वारा और सांवलिया जी मंदिर बोर्ड को लेकर खबर। मंदिर बोर्ड में पहली मूक बधिर और कुष्ठ रोगी भी शामिल हो पाएंगे। अब ये एक पहल की गई है कि वहां पर कुष्ठ रोगी भी उनके दर्शन कर पाएंगे। मंदिर बोर्ड में मूक बधिर और कुष्ठ रोगी शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार इसके लिए बजट सत्र में 2 बिल लेकर आने वाली है। कल राज्यपाल ने अभिभाषण में इसका जिक्र भी किया था। हालांकि वो क्लियर अभिभाषण उस समय नहीं सुनाई दे रहा था क्योंकि विपक्ष की ओर से हंगामा लगातार जारी था, लेकिन जो जिक्र हुआ उसने एक उत्साह का सर्जन किया है सभी में, क्योंकि दोनों बोर्ड में मूक बधिर या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित की अपात्रता वाला पैरा हटने वाला है। ये पात्रता का पैरा था, लेकिन अब जो दो इस बजट सत्र में जो दो नए नियम है उनके अंतर्गत अपात्रता वाला जो पैरा है वो हटेगा। और उसको लेकर के बोर्ड में मूक बधिर या कुष्ठ रोगियों से पीड़ित जो पुराना पैरा था उसको हटकर अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद में वो भी इसके लिए पात्र हो पाएंगे। तो भगवान देवनारायण जी की दिव्य जयंती की भव्य तैयारियां हो गई है। भगवान देवनारायण जी की जन्मस्थली मालासेरी का स्वरूप बदला हुआ है। 1111वीं जयंती पर शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। इसलिए भी और ज्यादा खूबसूरत इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है क्योंकि उनका आना होगा और कई बड़ी घोषणाएं वो कर सकते हैं। इसके लिए 1100 किलो पीले चावल और मिट्टी भेज करके न्योता सभी को दिया जा रहा है। आसपास के गांव में पहुंच रहे हैं प्रतिनिधि, वहां पर पीले चावल देकर के न्योता दे रहे हैं आने के लिए। भक्तों को 4 किलो आटे से बनी हुई 2 फीट की रोटी का प्रसाद इस दौरान बांटा जाता है। 1111 कमल के पुष्प से सजावट होगी, पूरे मंदिर की भव्य सजावट होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी भगवान देवनारायण की फड़। पीएम की सभा के लिए 50 बीघा मैदान और 5 हेलीपैड भी तैयार किए जा रहे हैं और साथ ही धार्मिक टूरिस्ट सर्किट की घोषणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो उनका पहुंचना होगा और जनता की उम्मीदें उनसे होंगी क्योंकि कई बड़ी घोषणाएं वो इस खास दिन पर कर सकते हैं और इसी की तैयारियां पूरे अपने अंतिम छोर पर है। किस फर्जी पर निशाना? जी हाँ, बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की है। जब यात्रा पहुंच गई थी पंजाब के पठानकोट में, तब पंजाब कांग्रेस के विधायक दल नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राहुल से कहा, वादा करके यहां से जाना, 24 में आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी फर्जी व्यक्ति को प्रधानमंत्री मत बनाना। इतना सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया क्योंकि इस तरह का बयान था। अब सभी फिर अपने और से अटकलें लगाने लगे, ये बातें तेज हो गई कि वो उनका नाम ले रहे थे या फिर वो किसी और का नाम ले रहे थे। अपनी अपनी तरह से वो नाम सभी के सामने आने लगे, लेकिन सन्नाटा एक बारगी के लिए सभा में छा गया। उन्होंने कहा कि 2024 में आप ही प्रधानमंत्री बनिएगा, किसी फर्जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। राहुल ने बगल में बैठे केसी वेणुगोपाल से पूछा क्या बोला गया, क्योंकि एक बार के लिए उन्हें भी समझ नहीं आया कि स्पष्ट तौर पर उनसे क्या पूछा गया है। और तब एक पंजाबी नेता ने समझाया पंजाबी भाषा में दिए बाजवा के संबोधन का मतलब, यानी कि पंजाबी में जो संबोधन दिया था फर्जी उन्होंने शब्द यूज किया था। उसके बाद एक पंजाबी नेता वहां पर थे, उन्होंने पंजाबी भाषा में दिए गए बाजवा के संबोधन का मतलब सुनाया। लेकिन अब लोग जवाब ढूंढ रहे हैं कि किस फर्जी के लिए बाजवा अपने ये बोल बोल गए। व्हाइट वॉश करने उतरेगी टीम इंडिया। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का तीसरे वनडे है आज और इंदौर में खेला जाएगा 3 मैचेस की सीरीज का ये अंतिम मुकाबला। टीम इंडिया की कोशिश होगी व्हाइट वॉश करने की और पहले 2 मैचेस जीतकर भारत पहले ही 2-0 की बढ़त से आगे चल रहा है। आज जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी टीम इंडिया। होलकर स्टेडियम में भारत का अजेय रिकॉर्ड है, 5 मैचेस अब तक वहां पर जीते हैं और बल्ला वहां पर सभी का चला है। बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है इंदौर का इस मैदान को, क्योंकि जिस तरह का विकेट है, जो पवेलियन है, जिस तरह की टीम इस समय नजर आ रही है, पूरे अपने फॉर्म में नजर आ रही है, आक्रामक मोड में नजर आ रही है। और ऐसे में रोहित, विराट, शुभमन, ईशान, सूर्यकुमार से रनों की बरसात की उम्मीद सभी को है।
गेंदबाजी डिपार्टमेंट में उमरान मलिक को मौका मिल सकता है। उम्मीद यह है कि यहां पर व्हाइट वॉश कर देगी टीम इंडिया, क्योंकि 2-0 की बढ़त से पहले से टीम इंडिया आगे चल रही है। श्रीलंका से खबर है, क्योंकि श्रीलंका घटाएगा अपनी एक तिहाई सेना। जी हां, चीन में कर्ज में डूबे हुए श्रीलंका में महंगाई 57% पर है। खाने पीने की चीजों की बात कर ले या फिर ईंधन की बात कर ले, दवाओं की किल्लत की बात कर ले, वहां पर सभी कुछ अपने चरम पर है। और ऐसे में श्रीलंका सुरक्षा से समझौता करने पर मजबूर हो गया है, और इसमें अपने जवानों की जो संख्या है उसको घटाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से अब वो कोशिश करेगा कि कॉस्ट कटिंग करके लोगों की जो भले ही सुविधाओं में कमी आ रही है, लेकिन जो 57% कर्ज है चीन का, वो किस ना किसी तरह से कम किया जाए। मौजूदा 2 लाख जवानों के एक तिहाई बल को घटाएगा श्रीलंका। करीब 1,35,000 जवान ही श्रीलंका रखेगा। इसके अलावा जितने भी जवान हैं उन्हें श्रीलंका घटाने वाला है। कैंसर समेत गंभीर रोगियों तक को दवाइयां नहीं मिल पा रही है। ओपीडी में पैरासिटामोल, विटामिन सी जैसी बुनियादी दवाओं तक की किल्लत है। ये बुनियादी दवाएं हैं, बेसिक दवाएं हैं, हर किसी डिस्पेंसरी में मिल जाती है, लेकिन ओपीडी में पहुंचकर भी अगर पैरासिटामोल जैसी दवाई ना मिले, विटामिन सी जैसी बुनियादी दवाई ना मिले, तो आप समझ सकते हैं कि कर्ज की मार कितनी ज्यादा श्रीलंका पर इन्हें पड़ रही है। अपने सालाना बजट में भी 6% की कटौती करी गई। तमाम वो सारी कोशिशें रहेंगी कि किसी तरह से चीन के इस कर्ज से थोड़ा हल्का हुआ जाए। तो प्रदेश में मौसम ने करवट एक बार फिर से बदली है। ठंडी हवाओं के साथ बादल छाए हुए नजर आए। आज सुबह से ही बादल छाए हुए नजर आए और देर तक अंधेरा बना रहा। सूर्यनारायण के दर्शन देर तक नहीं हो पाए। बाद में जब धूप निकली भी तो फिर एक बार बादल छा गए। बीती शाम की अगर बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई और आज भी कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मावठ का इंतजार कुछ किसान कर भी रहे थे, लेकिन जो दूसरी ओर किसान हैं उनके लिए मावठ और इस तरह का मौसम परेशानी वाला सबब भी बन रहा है, क्योंकि चेहरे पर शिकन है। धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर, टोंक जिले में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। अब इन बूंदाबांदी की संभावनाओं के बीच में ठंड जो है वो कभी ज्यादा महसूस होती है, कभी कम महसूस होती है, लेकिन जो हवाएं हैं वो ठंडी चल रही है और कई जिले ऐसे हैं जिनका तापमान अभी भी जमाव बिंदु पर ठहरा हुआ है। तमिलनाडु में भाजपा ला रही है खुद का टेलीविजन चैनल। जन टेलीविजन के नाम से टीवी चैनल शुरू करने जा रही है। संभवतः ये चैनल इसी महीने से शुरू हो जाएगा और तमिलनाडु में सभी बड़ी पार्टियों का अपना टीवी चैनल है, और ऐसे में भाजपा तमिलनाडु में कुछ कमी कर रही थी। ये महसूस हो रहा था कि किसी तरह की कमी है। तमिलनाडु में हर एक पार्टी का अपना चैनल है और चैनल के जरिए जो अलग अलग योजनाएं हैं वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश टेलीविजन चैनल के माध्यम से की जाती है, और ऐसे में भाजपा तमिलनाडु कुछ कमी महसूस कर रही थी। वैसे केरल में चल रही थी नाम से भाजपा का चैनल। इसी नाम से पहले केरल में भाजपा का चैनल चल रहा था, लेकिन तमिलनाडु में भी अब ये चैनल जल्द ही भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है। लोक देवता बाबा रामदेव के माघ मेले की अब बात कर लेते हैं। मौसम पर भारी भक्ति का नजारा नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम एक तरफ जहां सर्द बना हुआ है, लेकिन भक्तों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। रूनीचा धाम रामदेवरा में नजारा देखने को मिल रहा है मेले जैसा। लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी हुई है। रूनीचा धाम रामदेवरा में श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ रहा है। मेले के दूसरे दिन भी हजारों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने शीश नवाया और बाबा के दरबार में सौरान बाबा रामदेव के जयकारे गूंजते हुए नजर आए। देश के विभिन्न हिस्सों से रूनीचा धाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहले दिन 50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि पर धूप लगाई। उसके बाद दूसरे दिन की तस्वीरें भी यही नजर आई। हजारों की तादाद में रूनीचा धाम पहुंचकर ना सिर्फ देश बल्कि बाहर से भी लोग पहुंचे और उन्होंने बाबा रामदेव के दर पर शीश नवाया। साथ ही साथ देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना भी की, लेकिन साफ तौर पर जो मौसम की मार है वो इस बार श्रद्धालुओं के उत्साह पर भारी पड़ती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही। चलिए बात करते हैं बसपा के मिशन 2024 की। तो कैडर कैंप से आधार बनाएगी बहुजन समाज पार्टी। कांचीराम की तर्ज पर आधार बनाएगी बसपा। मिशन 2024 के लिए तैयारियों में बसपा जुट गई है। पार्टी से दूर रहकर गांव में कैडर कैंप लगाएगी। नए सिरे से जमीन तैयार करने में बसपा जुटी हुई है और ये कोशिश रहेगी बसपा की कि 2024 का जो मिशन है वो शुरू कर लिया जाए, क्योंकि सामने जितने भी दल हैं वो अपनी कोशिशें शुरू कर चुके हैं, मजबूत स्थिति में। ऐसे में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश बसपा इन चुनावों के जरिए और इस नीति के जरिए, इस स्ट्रैटेजी के जरिए करती हुई नजर अब आएगी।